लंबा करियर तो रहा सामाजिक राजनीति के बाद तो सही है, बाकी पद्म भूषण क्यों मिला ये मैं भी नहीं जानती कुछ भी, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। मैंने ऐसा बहुत कुछ तो नहीं किया, हाँ प्रामाणिकता से काम करती रही और इंदौर के लोगों ने 8 बार जीता दिया, ये तो एक क्रेडिटेबल बात हो गई, मगर वो इंदौर के लोगों के लिए हो गई है ना, कार्यकर्ताओं के लिए हो गई। और फिर प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर बनने का मौका दिया तो वो काम अच्छा करके दिखाया, ऐसा लगता है सब लोग कहते हैं अच्छा किया। तो मेरा ये कहना जीवन में जो भी कुछ मौके मिले कुछ करने के, उस समय जितना बना उतना अच्छा काम तो करके दिखा करके प्रामाणिकता से किया, हो सकता है उसका फल है। कैसा लगा था आपको ये मिला पद्म? कितनी खुशी हो रही आज? मैं वास्तव में खुशी है इसलिए कुछ नहीं, मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ भी, और इसलिए अभी जब टीवी पे देख रही थी वो भी मुझे दिल्ली से किसी का फोन आया, अरे देखो तो टीवी पे तुम्हारा नाम आ रहा है, तभी मैंने टीवी लगाया, नहीं तो और उसमें देख के मैं भी आश्चर्य में पड़ गई कि मालूम नहीं तय क्या मानती।